नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है सुपर टेट के जैसे कि चैप्टर वाइज हम आपको सोशल साइंस के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं तो चैप्टर नंबर नाइन जो भारतीय भूगोल नाम से है उसका हमने इससे पहले पार्ट नंबर फोर देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर फाइव और इसमें हम बीस प्रश्न देखेंगे और कुछ एग्जाम पॉइंट देखेंगे यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु से शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है जिसकी लंबाई की बात करें तो पच्चीस पच्चीस किलोमीटर है काफ़ी बार इससे पहले हम बता चुके हैं क्योंकि नदियों वाला चैप्टर भी इससे पहले आ चुका है अगला पॉइंट है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई आठ जो है वो मीटर है गोदावरी की बात करें तो गोदावरी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है यहाँ पर उस नदी की बात की जा रही जो कि भारतीय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है वो बहती है अगला पॉइंट है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच जो है वो स्थित है इसका निर्माण शिमला संधि जो कि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था उसके तहत जो है वो किया गया था अगला पॉइंट है कि संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा का डेल्टा है अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में जो है वो वर्षा होती है अगला पॉइंट है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा यदि आपसे पूछी जाए तो मेघालय के मासिन राम में जो है वो होती है अगला पॉइंट है कि केरल सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है जो कि नाइनटी टू पॉइंट वन परसेंट जो है वो है अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल जो है वो जूट की कृषि जो है इसका मुख्य राज्य है तो लास्ट पॉइंट है आपका कि गेहूं जौ तथा चना रबी की मुख्य फसलें हैं और ये फसलें अक्टूबर तथा नवंबर में जो है वो बोई जाती हैं तो ये सभी हमारे एग्जाम पॉइंट खत्म हुए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न तो पहला प्रश्न आपका है कुल बीस प्रश्न हम यहां पर देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है गांधी सागर बांध भाखड़ा बांध हरिके बैराज या गोविंद वल्लभ सागर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए हो बात कर लेते हैं उत्तर की आपका हरिके बैराज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम स्थल जो है वो हरिके बैराज जो है वो होता है और ये जो बैराज है ये सतलज और व्यास नदी जो है उसके संगम पर जो है वो स्थित है सतलज और व्यास ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपसे इसके अंतर्गत पॉइंट भी जो है वो पूछे जा सकते हैं इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वो प्रणाली में आती है और ये नहर राजस्थान जो है उसके मरुस्थलीय सीमा को भी छूती है उसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान इसकी ये संयुक्त योजना के अंतर्गत भी जो है वो आती है तो ये हो गया इंदिरा गांधी नहर के बारे में बढ़ते अपने अगले प्रश्न दूसरे की कि भागड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा हरियाणा पंजाब और राजस्थान तो भाखड़ा नांगल जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब और राजस्थान इसके अलावा बात करें इसकी स्थिति की तो पंजाब हिमालय प्रदेश में जो सतलज नदी है उस पर जो है ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो जो है वो बनाई गई है और ये देश की सबसे बड़ी बहुद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है वो रखी जाती है ये यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त परियोजना किसकी है तो आप हरियाणा पंजाब और राजस्थान को लगाएंगे परंतु किन किन राज्यों को लाभ पहुँचाती है तो उसमें पंजाब हरियाणा और राजस्थान राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र शासित क्षेत्र है जिसमें दिल्ली इन सभी को लाभ जो है इससे मिलता है अगला देखते हैं प्रश्न तीसरा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है तमिलनाडु में केरल में आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कर्नाटक में जो है वो शिव समुद्रम जो परियोजना या जल विद्युत परियोजना है ये कावेरी नदी जो है उस पर जो है वो स्थित है तो कावेरी नदी भी जो है वो ध्यान में रखेगा इसके अलावा जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है इसी के नज़दीक शक्तिग्रह भी जो है वो स्थापित किया गया है और यहाँ पर 1902 से जो है वो विद्युत उत्पादन जो है वो किया जा रहा है अगला देखते हैं प्रश्न चौथा कि रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर केन नदी पर रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात करते हैं उत्तर की तो बेतवा नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो रानी लक्ष्मी बाई बांध है ये झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर जो है वो स्थापित किया गया है और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो भूभाग हैं उनकी सिंचाई जो है वो की जाती है अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है चार ऑप्शन दे रखे आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका व्यास बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा पोंग बांध जो है इसको व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये व्यास नदी पर जो है वो बना है और ये भी एक बहुत बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ही आता है जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है और इससे या इसमें यह पूछा जाए कि किन की संयुक्त परियोजना में आता है तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान जो है इसका संयुक्त सहयोग के रूप में भी इसे जो है वो जाना जाता है अगला देखते हैं प्रश्न छठा अगला प्रश्न छह है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर जो है वो स्थित है चार ऑप्शन दे रखे हैं ताप्ती नर्मदा कृष्णा या कावेरी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका नर्मदा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो नर्मदा नदी है इस पर जो है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर निर्मित किया गया है और ये जो परियोजना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आधारशिला है ये पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने तेईस अक्टूबर नाइनटीन तेईस अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने आधारशिला इसकी रखी थी और इस परियोजना के तहत जो नर्मदा नदी है इस पर बानवे मीटर ऊंचा और छः मीटर लंबा गुरुत्वीय बांध का निर्माण भी जो है वो किया गया है पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न सात की तरफ अगला प्रश्न सात है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो इन चारों में से आपको बताना है मैंने आपको कल बताया था महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों आपको देखने को मिलता है परंतु समय के अनुसार प्रायोरिटी कभी महाराष्ट्र को दी जाती है कभी उत्तर प्रदेश को क्योंकि जो उत्पादन है उसमें गिरावट दर्ज कभी करने को देखने को मिलती है इसीलिए इस प्रकार से दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो बात करें उत्तर की तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जहां पर यह बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो चीनी उत्पादन है और गन्ना उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखने को हुई है और जो महाराष्ट्र है उसमें कमी देखने को मिली है तो इसलिए आपका उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और यदि विश्व में बात की जाए तो भारत जो है चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में जो है वो जाना जाता है एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कृषि आधारित उद्योग से संबंधित तो देश में जो वस्त्र उद्योग है उसके बाद कह सकते हैं जो चीनी है उद्योग वो दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है उसमें रखा जाता है अगला प्रश्न देखते हैं आठवां कि नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो जो है वो इनमें से कौन सा है सीमेंट है उर्वरक है हथकरघा है या अखबारी कागज है चार ऑप्शन है आपको बताना है कि नेपानगर किस लिए जो है वो जाना जाता है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अखबारी कागज जो है इसके लिए जो है नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो जो है वो विख्यात है और जो मैसूर है जो कि कर्नाटक में आता है बेलपुर जो कि केरल में आता है ये सभी अखबारी कागज के अन्य उत्पादक केंद्र में जो है वो आते हैं परंतु जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका नेपा नगर जो है वो है और वर्तमान में यदि बात करें तो कागज़ उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं तो पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक कारखाने जो है वो स्थित हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ नवा कि इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए मैं इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न लाता रहूं तो चलिए बात करते हैं उत्तर की सही हो जाएगा आपका मुंबई या आप कह सकते हैं महाराष्ट्र तो मुंबई या महाराष्ट्र जो है भारत में जो सूती वस्त्र हैं या वस्त्र उद्योग हैं उसके प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है इसीलिए मुंबई को वस्त्रों की राजधानी के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। हालांकि जो अहमदाबाद है यहां पर जो कारखाने हैं उनकी संख्या जो है वो 72 है मुंबई में कारखानों की संख्या 63 है परंतु उत्पादन मुंबई में जो है वो सर्वाधिक होता है और सूरत भी जो है वो वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है अगला देखते हैं प्रश्न दस कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यही प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था अगले वाले पार्ट में इसका उत्तर जो है वो हम देंगे तो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयम्बटूर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोयम्बटूर इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यदि दक्षिण भारत का मैंचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले या कानपुर नगर जो है उसको जो है कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का आपसे पूछा जाए मैनचेस्टर तो कानपुर हो जाएगा और दक्षिण भारत का आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य में स्थित जो कोयमबटूर है ये आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है वो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में जो भारत है वो विश्व में यदि आपसे पूछा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा देश है और जो भारतीय सड़क हैं उनकी कुल लंबाई लगभग तैतीस लाख किलोमीटर तक जो है वो मानी जाती है जो कि आप कह सकते हैं लगातार बन रही है तो पिछली रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है और सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में यदि बात करें तो महाराष्ट्र इसको प्रथम नंबर पर रखा जाता है यूपी को दूसरे नंबर पर रखा जाता है मध्य प्रदेश को तीसरे नंबर पर रखा जाता है और उसके बाद उड़ीसा तमिलनाडु इस टाइप से सीरियल जो है वो चलता है अगला प्रश्न देखते हैं बारह कि उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे के मिलन कस्बा है तो दिल्ली नागपुर झांसी हैदराबाद चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका झांसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर है उसको पोरबंदर से और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है यही एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में जो है वो काटते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा यानी यहां पर पूछा क्या गया था मिलन कस्बा यानी कि कहां पर मिलते हैं तो वो झांसी उत्तर प्रदेश में जो है एक दूसरे को काटते हैं यानी कि वहीं पर जो है वो मिलते हैं अगला प्रश्न कह रहा है थर्टीन की वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है तो कहां से गुजरता है ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका हैदराबाद बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जो वाराणसी है उसको कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो ग्रेट डेकन राजपथ है ये हैदराबाद से होकर जो है वो गुजरता है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जीरो के नाम से जो है वो जाना जाता है कुल लंबाई के इसकी बात करें तो टू थ्री सिक्स नाइन किलोमीटर आपका जो है वो हो जाएगा अच्छा यहाँ से जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात पूछी गई तो प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है तो वो फोर्टी सेवन ए जो है आपका सही हो जाएगा जिसकी लंबाई कुल छः किलोमीटर जो है वो होती है भारत का सबसे छोटा राजमार्ग अगला प्रश्न देखते हैं फोर्टीन कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है यहाँ पर क्या पूछा है नहीं जोड़ता है बेलगाम को मडगांव को रत्नागिरी को या उडपी को तो चार ऑप्शन है आपको बताना है किससे किसको नहीं जोड़ता है तो बात करते हैं उत्तर की तो बेलगाम जो है इसको नहीं जोड़ता है बाकी अलग अलग बहुत से नाम है जिनको जोड़ते हुए जो है ये रेल मार्ग गुजरता है कुल लंबाई की बात करें सो सात किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई होती है और इस रेल मार्ग पर पहली बार जो रेल परिचालन है वो 26 जनवरी 1981 को जो है वो प्रारंभ हुआ था और इस रेलमार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो आपका महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल ये चार राज्य जो है वो ध्यान में रखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी बात करते हैं उत्तर की तो आपका अट्ठारह बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा भारत में सबसे पहली जो रेल व्यवस्था है वो अट्ठारह में मुंबई से लेकर थाने जो है इसके बीच प्रारंभ हुई थी और विश्व की यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर तो भारत पूछा गया है परंतु विश्व की यदि आपसे पूछा जाए तो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी अट्ठारह पच्चीस में जो है वो जो है वो वो से के बीच जो चली थी। 1825 में लीवरपुल से मैनचेस्टर के बीच जो है वो चली थी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ सोलवा कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वो कौन सा है कांडला कोचीन पारादीप या मारमा गोवा चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो पारादीप है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा गहराई वाला और इसकी गहराई की बात करें तो अट्ठारह मीटर जो है इसकी गहराई है और ये बंदरगाह जो है वो स्थित कहाँ है तो के जगत सिंहपुर जिले में जो है ये स्थित है या सिंपल सा आप भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं और बनाया कहा गया है तो ये बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर जो है उस पर जो है वो बनाया गया है अगला प्रश्न देखते हैं सत्रह कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत जो है उसके पूर्वी तट का नहीं है ये आपको पूछा गया यहां पर चेन्नई कांडला पारादीप या तूती कोर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका कांडला बंदरगाह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भारत के जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं उनमें आपका कांडला भी आता है मुंबई भी आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आता है मारमा गोवा जो कि ऊपर वाले ऑप्शन में भी हमने देखा था वो भी आता है इस प्रकार के जो सभी बंदरगाह हैं वो आपके भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो आते हैं जबकि यहां पर पूछा था पूर्वी तट का कौन सा नहीं है तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न अठारह कह रहा है कि हल्दिया बंदरगाह में या से जो है वो कौन सी वस्तु आयात जो है वो की जाती है चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या टी तो चार ऑप्शन है बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो सही हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में जो है वो स्थित है और जो पेट्रोलियम आयात है उसकी विशेष सुविधाएं जो है यहाँ पर जो है वो विकसित की गई हैं और इसके निकट में ही आप कह सकते हैं हल्दिया रिफाइनरी जो है उसकी भी स्थापना जो है वो की गई है बढ़ते अपने अगले प्रश्न उन्नीस की तरफ की निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कक्ष की खाड़ी पर स्थित है तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा और इसके आगे के 20 प्रश्न रह गए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो कि हम अगले वाले पार्ट में जो है कल दोपहर तीन बजे जो है वो देखेंगे और सीटट की यदि आपको लाइव देखना है तो इस समय शाम के आठ बजे डेली सीटट की लाइव क्लास सीटट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जो है वो चल रही है तो लौटते हैं अपने प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कक्ष की खाड़ी पर स्थित है तो बात करें उत्तर की सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांडला बंदरगाह तो ये आपका कक्ष की खाड़ी पर स्थित है और गुजरात राज्य में जो है ये आता है हल्दिया बंदरगाह मैंने ऊपर बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो स्थित है और कोलकाता राज्य में जो है ये आता है और मुंबई और कोचीन जो आप देख पा रहे हैं ये बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में जो है वो जाने जाते हैं और यहाँ पर बंदरगाहों की बात हुई है तो एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि देश का यानी कि भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है अभी देखिए इससे पहले प्रश्न आया था जहां पर पूछा गया था सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है चार ऑप्शन दे रखे थे जहां पर पारा दीप जो है आपका सही था तो पारा दीप आपका देश का नहीं है वो जो चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें से आपका पारा दीप सबसे गहरा बंदरगाह था जो कि उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित था मैंने आपको बताया परंतु यदि आपसे भारत का पूछा जाए सबसे गहरा बंदरगाह तो ध्यान रखिएगा विशाखापतनम बंदरगाह जो है आपका सबसे गहरा जो बंदरगाह है उसमें जो है वो रखा जाता है और जो बंदरगाह है ये देश का जो पूर्वी तट है उस पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापतनम में जो है वो स्थित है और इसका नाम आपको देखने को गंगा बंदरगाह के नाम से देखने को मिलता है गंगा वाराम बंदरगाह अगला प्रश्न हम देखते हैं आपके लिए जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किस राज्य को देश का धान का कटोरा जो है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश को और या उत्तर प्रदेश को तो ये चार ऑप्शन है इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराने रहते हैं एक लाइक तो आपका बनता ही है इसके अलावा चैनल पर ना आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोपहर तीन बजे सुपर टेट की क्लासेस समय प्रोवाइड की जा रही है तो आप आकर जो है वो देख सकते हैं तो देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न कि कांडला बंदरगाह जो है वो स्थित है खंबात की खाड़ी कर्क रेखा कक्ष कारण या कक्ष की खाड़ी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की आपका ऑप्शन नंबर डी कक्ष की खाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है और यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है और उत्तर भारत जो है उसको आपूर्ति करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह जो है उसमें भी जो है से रखा जाता है और स्थित कहाँ है तो कच्छ की खाड़ी में जो है ये स्थित है तो इसी के साथ हमारा आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं कल हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं शाम को आठ बजे सीट की क्लास के साथ तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग